क्या आप भी YouTube पे टीचर हो या ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हो या एक ट्रेनर हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश बाठिया है और आज हम देखने वाले हैं ऐसी 3 गलतियां जो किसी भी YouTube टीचर ने नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ऐसी 3 गलतियां जो कॉमनली ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स करते हैं। उसमें से सबसे पहली गलती है आपका सेटअप। अब दोस्तों सेटअप में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे यूट्यूब पे अच्छा चैनल क्रिएट करना है तो मुझे सेटअप काफी बड़ा लगेगा, काफी एक्सपेंसिव लगेगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक बेसिक सिस्टम लगेगा आपको जिसका कॉन्फिगरेशन काफी बेसिक हो और उससे भी आपका काम बन सकता है। दूसरा आपको लगेगा एक माइक, क्योंकि आपकी आवाज उसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो दूसरी चीज हो गई आपका माइक। और तीसरी चीज है आपको पेन टैबलेट लग सकता है अगर आप डिजिटली कुछ लिख करके बताना चाहते हो। अब बहुत से टीचर्स यूट्यूब पे ऐसे हैं कि जो सिर्फ उनके मोबाइल कैमरे से उनके व्हाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ाते हैं, और अगर आपको डिजिटली लिखना है तो पेन टैबलेट भी आप यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और चौथी और सबसे आखिरी चीज जो लग सकती है वो है ग्रीन स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में मेरा बैकग्राउंड मेरे स्क्रीन कैप्चर के बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया है। तो ये किस तरीके से होता है दोस्तों? तो ये होता है ग्रीन स्क्रीन से एडिटिंग में। इतनी ही चीजें आपको लगनी चाहिए दोस्तों अगर आपको एक बेसिक यूट्यूब चैनल टीचिंग के लिए स्टार्ट करना है। दोस्तों आप जब टीचिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तब आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट पे फोकस ना करते हुए मैंने ये देखा है कि बहुत से यूट्यूब टीचर्स ये बाकी सब झंझटों में पड़ जाते हैं, जैसा कि लाइट सेटअप, स्टूडियो सेटअप, और लाखों रुपए उसमें खर्च कर देते हैं। दोस्तों लाखों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका मोबाइल का कैमरा, उसके बाद आपका बेसिक लैपटॉप या पीसी, या फिर आपका मोबाइल इटसेल्फ, उसके बाद एक बेसिक सा माइक। अब बहुत से टीचर्स मैंने देखे हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो हेडफोन्स जो आते हैं मोबाइल के साथ वही यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, डिजिटल पेन टैबलेट्स न खरीदते हुए मोबाइल के लिए एक सिंपल सा स्टाइलस अगर ऑनलाइन खरीद लेते हैं तो उसमें भी काम बन जाता है। दोस्तों इस तरीके से आपने हमेशा काम फ्रूगल करना है, ना कि आपने आपकी एनर्जी फोकस करनी है पूरे सेटअप में। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने देखा है यूट्यूबर्स को करते हुए। बहुत से यूट्यूबर्स ये सोचते हैं, बहुत से टीचर्स ये सोचते हैं कि जब मेरा सेटअप क्रिएट हो जाएगा तब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। दोस्तों वीडियो बनाते रहिए और सेटअप अपने आप स्लोली स्टेडली बिल्ड हो जाएगा। और हमेशा ये देखना है कि पैसा न खर्च करते हुए बेस्ट मेथड किस तरीके से, बेस्ट तरीके से हम पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो मेरे चैनल पे आपको इसी रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरी मिस्टेक। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है यूट्यूब SEO। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, मैं कई बार कह चुका हूं आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, मगर यूट्यूब को नहीं समझ में आता। यूट्यूब को समझ में आता है मेटा डेटा, उसके एल्गोरिथम में, और मेटा डेटा अच्छे से अच्छा मतलब ही SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन आपको करना जरूरी है। और मैंने इस चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन की है, मगर SEO फिर भी कई सारे टीचर्स नहीं करते। तो SEO करे बिना आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, और डीमोटिवेट होकर के बहुत से टीचर्स यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आपका यूट्यूब चैनल सही में ग्रो करना है तो आपने YouTube SEO करना कंपलसरी है, और आपने करना ही चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। अब चलिए तीसरी और सबसे आखिरी मिस्टेक हम देखते हैं। अब तीसरी और आखिरी मिस्टेक देखने के पहले दोस्तों, मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हुए अभी 1 महीना हो गया है, और 1 महीने में आप मेरा रेवेन्यू यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो जो कि ऑलमोस्ट 1450 के आसपास है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि यूट्यूब पर 1 महीने में सिर्फ 1450 अगर मिलते हैं तो इतनी एनर्जी, इतना एफर्ट का क्या फायदा? दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लॉकडाउन के बाद बहुत से टीचर्स, बहुत से ट्रेनर्स यूट्यूब पे आ गए हैं। उनको लगता है कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों यूट्यूब पे पैसे जरूर मिलेंगे, मैं आपको डिमोटिवेट यहां पर नहीं करना चाहता। यूट्यूब पे पैसे मगर कब मिलते हैं? जब आपका चैनल काफी अच्छे से ग्रो हो जाए।
जैसा कि आप जानते हो, मेरा चैनल आज की डेट में काफी ज्यादा छोटा है। एक 1700-1800 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि काफी छोटा नंबर होता है। तो यहां पर अगर आपका चैनल आपको ग्रो करना है, तो इमटेरियल ऑफ द रेवेन्यू, आपको कितना पैसा हर महीने मिल रहा है यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होने के बाद भी, इसको आपने इग्नोर करना है। क्योंकि आपका काम जिस तरीके से कंसिस्टेंटली आप अच्छा करते जाओगे, वैसा ही आपका ये रेवेन्यू ग्रो होता जाएगा। तो यहाँ पर डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ये स्टार्टिंग फिगर्स है दोस्तों। बहुत से टीचर्स मैंने देखा है कि वो शुरुआत में तो काफी अच्छा काम करते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए इस चक्कर में, बट उसके बाद जैसा ही मोनेटाइज होता है, 1-1.5 महीना काम करते हैं और उनको नजर आता है कि यार पैसे नहीं आ रहे, तो वो काम करना कम कर देते हैं और कुछ टीचर्स तो बंद कर देते हैं दोस्तों। तो ये अप्रोच गलत है। आप आपका चैनल ग्रो करने के लिए 6-8 महीने मेहनत करते हो और आखिरी में जब वो मोनेटाइज हो जाता है, तो ये ग्रोथ जो होती है, ये एक्सिलरेट होती है, ये मल्टीपल्स में होती है। तो आपने फोकस करना है, आप कंसिस्टेंटली फिर भी कंटेंट क्रिएट करते चलो और आपका काम सिंसियरली करो। कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं कि यूट्यूब पर इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए। दोस्तों, पब्लिसिटी के लिए भी यूट्यूब पे आप काम कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। ये पब्लिसिटी के लिए भी जो आप काम करते हो, ये भी कंसिस्टेंट चाहिए दोस्तों, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसमें नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म विजन रखकर अगर आप YouTube पे कुछ पढ़ाना चाहते हो, तो ये सबसे सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी, सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये 3 मिस्टेक्स में से आप कोई भी मिस्टेक आपके दिमाग में नहीं रखते हो और प्रैक्टिस में भी नहीं लाते हो। और अगर आप इसमें से कोई भी अभी तक करते आ रहे हो, तो इमीडिएटली आज से ही ये मिस्टेक्स को कमिट करना बंद कर दो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप यूट्यूब पे अच्छे खासे पैसे कमाओ। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।